एक तो पहले मेरा ये सवाल था कि आपको इतनी बड़ी उपाधि मिल रही है ब्रिटेन से, तो इस कैसा लग रहा है आपको कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है? बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ मुझे ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि आज मेरा भारत का नाम ब्रिटेन में एक बार फिर से लहराएगा, उसका परचम, भारत का परचम लहराएगा। तो और दूसरी बात ये कि हमारे युवा, जितने हमारे देश के युवा हैं, इस खबर को पढ़ करके उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि जैसे अरुणिमा ने ऐसी परिस्थितियों में से खड़ी होकर के, बहुत बुरी परिस्थिति थी उस समय, आप सबको तो खैर पता ही है, और उसमें से खड़े होकर के आज यहाँ तक पहुंची है कि आज उसको ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी और उसको मानक उपाधि मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे कैरियर के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है और उनके लिए एक मोटिवेशन है। मेरा अंबेडकर नगर, ये मेरा अंबेडकर नगर, मैं तो जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा अंबेडकर नगर, कि जब कहीं विदेशों में जैसे अंबेडकर नगर के लोग जाते हैं या फिर साउथ में देश के कोने कोने में जाते हैं और मुझे सोशल साइट्स पे लिखते हैं कि अब हम आपका नाम लेकर के बता देते हैं कि जहाँ की वो विश्व की पहली महिला एवरेस्टर है, वहां के मैं रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी होती है। और आज मेरे अंबेडकर नगर को पूरा विश्व स्तर पे लोग जानेंगे कि अरुणिमा सिन्हा अंबेडकर नगर से हैं। परिवार मेरे अच्छे में मेरे बुरे में खड़ा रहा, मेरी रीढ़ की हड्डी रही, जी तो हड्डी की तरह मेरा बन के खड़ा रहा, तो मैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ कि सब मेरे साथ खड़े रहे। हेलो दोस्तों, मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दे रही है और एक मानक डॉक्टरेट मानक पद से मुझे सम्मानित कर रही है। ये मेरे लिए और मेरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मुझे लगता है इन चीज़ों को देख करके हमारे देश के युवा मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। और आज मेरा अंबेडकर नगर पूरी दुनिया में अंबेडकर नगर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अंबेडकर नगर से हूँ। और ईटीवी ने मुझे ये इंटरव्यू मेरा लिया, इसके लिए मैं ईटीवी पंकज जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने एक बार फिर जो है एक नई उपलब्धि हासिल की है। लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए 6 नवंबर को आमंत्रित किया है। इस समय हम अरुणिमा सिन्हा के घर पर अंबेडकर नगर में खड़े हैं। हालांकि अरुणिमा सिन्हा यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हरियाणा में है। उन्होंने हालांकि ईटीवी से खास बातचीत भी की है और उन्हें एक अपना बयान भी दिया है। ईटीवी को भी धन्यवाद दिया है, साथ में अम्बेडकर नगर की जनता को भी धन्यवाद दिया। हम उनके घर पे हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है सर? हम लोगों को बहुत खुशी है हमारे परिवार की। अरुणिमा जी इसके पहले भी उन्होंने अपने कार्यों से ज़िले का नाम रोशन किया, इस घर का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। इससे हम लोगों को काफ़ी खुशी है। इस तरीके से उनको डायरेक्टर का उपाधि दी गई, ये हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है और हम लोग आगे भी यही चाहेंगे कि वो इसी तरीके से अच्छा कार्य करें जिससे उन्हें नित्य नया एक नया उपाधि मिले, जिससे वो समाज के लिए एक नई दिशा का काम फिर देने का कार्य कर सकें। ये थे इनके भाई। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको काफ़ी गर्व है और लोगों को भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। फिलहाल अरुणिमा के इस प्रकार के लगातार नए नए अचीवमेंट से जिले का ही नहीं पूरे भारत देश का सम्मान बढ़ रहा है। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अंबेडकर नगर।